Hello students, it's been long, we have not interacted with each other due to present situation. Hope you all are doing fine. तो आज जो हम सिखाने वाले हैं वो है फोटो फ्रेम. फोटो फ्रेम कैसे करके बनेगा, ठीक है. पेपर से हमको फर्स्ट है पेपर से बनाना पड़ेगा. अगर न्यूज़पेपर से हम बनाते हैं तो सबसे पहले छोटा छोटा पीस करके पेपर को काटना पड़ेगा. इस टाइप का पेपर काटना पड़ेगा, ठीक है. इससे हम बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं. अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई भी पेज, बुक वाला पेज हो सकता है, ड्राइंग पेज हो सकता है, मार्बल पेज हो सकता है, कोई भी मैगजीन के पेज हो सकता है, कोई भी पेज हमको लेके यूज़ करना है. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक ब्रूम स्टिक लेना है पतला वाला. अगर ब्रूम स्टिक नहीं है, वायर रहता है पतला, साइकिल का स्पोक वाला रहता है उससे हो सकता है, पतला कोई भी. अगर वो भी नहीं है तो पेन का रिफिल है छोटा वाला, उससे भी हो सकता है. हमको देखना पड़ेगा राउंड करने के लिए, कुछ भी राउंड टाइप एक चाहिए. तो हम, मेरे पास ये था ब्रूम स्टिक, एक हम ले लिए पेपर, न्यूज़पेपर. अब इसको क्या करेंगे, पहले पेपर का हम रोल कर लेते हैं. ये जो पेपर है एक इस एंगल में हम इसको बैठाएंगे और धीरे 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 इसको राउंड करेंगे ऐसे करके, हो गया. और फेविकॉल दे के हो गया, इसको ऐसे करके घुमा देना है, जॉइंट करना है. तो हमने इसी टाइप ऐसे करके बहुत सारा हम बना के रख लिए पहले, ठीक है. ऐसे बहुत सारा है मेरे पास, ऐसा है. कम से कम इस टाइप का रोल कम से कम 35 to 40 पीस लगेगा, पीसेस, ठीक है. और इसके बाद क्या करना है, फोटो फ्रेम के लिए माउंट बोर्ड लेना है. माउंट बोर्ड हम ले लिए, और एक कोई भी फोटो, एक फोटो हम ले लिए, इसको ऐसे करके बैठाना है. इसके बाद आउटलाइन पेन या पेंसिल से आउटलाइन करना है. हो गया. अब सबसे ये जो लाइन हो गया फोटो वाला, इससे थोड़ा सा छोटा करके हमको काटना पड़ेगा. अगर हम इसी टाइप का अगर काट देते हैं तो फोटो फ्रेम के अंदर से फोटो निकल के आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. इसलिए हमको पहले ये जो लाइन है, लाइन से छोटा करके हमको काटना. देखो ए वाला लाइन था फोटो वाला, उससे हम छोटा करके लाइन पूरा ही हम खींच देंगे. इधर से भी हम ले लिए ऐसे करके, इधर से भी हम ले लेंगे ऐसे करके, इधर से भी हम ले लिए, ठीक है. अब पहले अब क्या करेंगे, फोटो फ्रेम को ऊपर वाला जो बीट है, बीट हम कितने पर रख सकते हैं, 2 इंच भी हम रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं. हम यहाँ पर क्या किए, एक स्केल यानी 1.5 इंच है ये वाला. तो ये लाइन वाला, पहले वाला जो लाइन था, इसके ऊपर ऐसे करके रखने के बाद इसको आउटलाइन यहाँ आउटलाइन हमने ऐसे करके हम दे दिया, हो गया. इधर से चारों ओर से हम दे दिए. अब इसको काटना पड़ेगा कैंची या नाइफ से. मेरे पास नाइफ है, नाइफ से जल्दी हो जाता है. नाइफ से हमने ऐसे हो गया. अब अंदर वाला जो था छोटा वाला पार्ट, उसको भी हमको काटना पड़ेगा ऐसे. ठीक है, इसको हम हटा देंगे.
ये ऊपर वाला हिस्सा बन गया फोटो फ्रेम का। अगर अगर हम इसके अंदर से अगर फोटो देंगे तो ए वाला छोटा है तो फोटो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद हमको क्या करना है, अब ये जो लाइन है पहले वाला लाइन, छोटा छोटा बीट जो बीट जो है ऐसे करके काट के ऐसे करके देना है, यहाँ से तीन साइड देना है, यानी कहाँ से देना है ए वाला, थोड़ा सा ए वाला पार्ट हमको छोड़ना, जैसे इस टाइप का हम पहले से हम बना कर रेडी कर लिया है। ए जो लाइन है ये हम बीट दे दिए इधर से, ऊपर वाला नहीं देना, दोनों साइड देना है, नीचे वाला देना, ऊपर वाला नहीं देना। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाला हिस्सा में बीट नहीं देना है, साइड में और नीचे देना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एक कोई भी पेपर, कोई भी पेपर चलेगा, मार्बल पेपर हो, ड्राइंग पेज हो, पेस्टल पेपर हो, कोई भी पेज, पहले इसको ऐसे करके आउटलाइन खींच लेना। मान लो मेरे पास एक पेज है, ये वाला पेज है, इसको ऐसे करके बैठा के पहले आउटलाइन देना है पेंसिल से, पेंसिल से आउटलाइन देना है, ऐसे अंदर भी देना है, ऐसे करके देना है इधर, और इसको अच्छे से कैंची हो या सीजर से इसको काट लेना है, ऐसे करके हम काट दिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब एंगल को ऐसे करके काटना है, ये जो है ऐसे काट दिए। इसके बाद फिर यहाँ से एंगल स्केल से बैठा के पहले आउटलाइन ड्रॉ करना है, पहले ऐसे करके काट देना, ठीक है, ऐसे करके काटना। काटने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर फेविकॉल देना है, इसके ऊपर, इसके ऊपर फेविकॉल दे के ये जो है ऐसे करके इसको पेस्ट करना है। तो एक साथ हम पकड़ के देख लेंगे कहाँ तक आ रहा है, ये बोला हम पेस्ट कर दिया। तो सूखने के बाद क्या क्या करना होगा, ये जो लाइन है ऐसे इसको कैंची से, अच्छा वाला कैंची लेना है, इधर से काटना। तो हमने पहले ही ऐसे करके हम रेडी कर लिए हैं, चार हैं ऐसे। अब इसको हम अच्छे से हम काटेंगे, याद रखो हम सिर्फ प्रोसेस हम बता रहे हैं, अब यहाँ से हमको धीरे से काटना है, हो गया, इसको भी अच्छे से हमको काटना है, बन गया। इसको भी काटना है, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर फेविकॉल लगाना है, इस पर ऐसे, फेविकॉल लगा के सबसे ऊपर वाला हिस्सा पहले ऐसे बन गया, फिर इधर फिर इस पर,
सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको सेट कर देना है अच्छे से। सूखने के बाद इसके ऊपर कलर वगैरह कुछ भी हो सकता है। ऐसे बन गया, अब उल्टा दिए। उल्टाने के बाद पीछे से एक सपोर्ट हमको देना होगा। मेरे पास एक टुकड़ा है ये वाला, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको सपोर्ट के लिए हम दे दिए। ठीक है, तो इसको पहले, सबसे पहले ये जो बीट जो हम दिए थे, बस यहीं पर थोड़ा सा फेविकॉल देना है। ऐसे करके फेविकॉल देना है, इधर भी, यहाँ भी देना है। ऐसे हो गया। अब इसको क्या करना है, ऐसे करके हमने पेस्ट कर दिया, हो गया। जो बाहर 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 निकला हुआ है, इसको हमने काट दिया। ठीक है, अब हमको स्टैंड बनाना पड़ेगा। स्टैंड के कैसे करके बनाएंगे, सबसे आसान तरीका है, पहले हम एक इस टाइप का पेपर ले लिए, एक स्केल से ज़्यादा, हमको ऐसे करके एक लंबा वाला टाइप ले लिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको सबसे रेड वाला पेपर हम ले लिए। अब इसको फेविकॉल लगा के ऐसे करके हम दे दिए। इसके बाद पेपर को फोल्ड करना है। अब यहाँ भी फेविकॉल देना है, हो गया। अब इसको पेस्ट, फिर इसको घुमा के ऐसे करके देना है। अब इसको आउटलाइन यहाँ लेके इसको कैंची से अच्छे से काट देंगे। हो गया, अब यहाँ फिर इसको ऐसे करके हम दे दिए। देने के बाद ऐसे बन गया। अब यहाँ पर ऐसे राउंड, फिर इधर से ऐसे, क्योंकि ए वाला पेपर तो था ही मोटा वाला। अब यहाँ से बैक, फिर ऐसे, तो इस टाइप का बन गया, डब्लू टाइप इधर। अब इसको थोड़ा सा हम काट के छोटा कर देंगे ऐसे, और यहाँ भी काट के हम छोटा कर देंगे। अब इसके ऊपर इसके ऊपर एक ए, 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 ए देना है, हो गया। अब यहाँ यानी नीचे वाला जो डब्लू टाइप का रहेगा वो नीचे रहेगा, और ऊपर वाला फोल्ड ऐसे रहेगा। तो ये बन गया फोटो फ्रेम। इसमें कलर भी कर सकते हो, फ्लावर से डेकोरेट कर सकते हो कुछ भी। और ये जो फोटो था, हम यहाँ से इसको अंदर हम आराम से हम घुसा सकते हैं। तो इसको अंदर जो था, हम फोटो ऐसे करके हम डाल सकते हैं, ऐसे करके डाल सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम हटा दिए। तो हमको रेटिंग विल बी स्टार्टेड ऑन 10th अगस्त टू 20 अगस्त, इसके बीच में रेटिंग हम लेंगे। तो इसके बीच में हम रेटिंग लेंगे। एक काम सबको भेजाना पड़ेगा, और भेजाने से पहले मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है,
9883289535 उस पर देना है। अब भेजाना से पहले नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, सेक्शन लिखना है। और ड्राइंग भी भेजाना, ड्राइंग भी रेटिंग होगा प्लस एक क्राफ्ट भी रेटिंग होगा। तो ड्राइंग प्लस क्राफ्ट दोनों ही भेजाना पड़ेगा 10 से 20 के अंदर। ठीक है, थैंक यू।